Okay, welcome to another session on Rover Vibes. Let's wait for the audience. Today the webinar is going to be, hi Moin, how are you? Hi Moin, very good evening to you. Sure. Moin, please help us out and please share this feed in some groups. So this webinar is going to be about protein and supplements. So here we are targeting the fitness industry, the nutrition part of it, and we are also looking at busting the myths that people have in mind, and also we are going to talk about the benefits of these things. So protein, as everybody knows that everybody advises to take protein in different forms. So we are going to discuss about protein, which is going to be in different forms. We're also going to talk about the protein, that is whey protein, which comes in a can. Hi Alphas. So we're going to talk about protein in a can that is coming, and there are certain questions that we are going to answer. So we're waiting for some audience. Hi Alphas, how are you? Moin, please help us out and share it in different groups. Who's coming? My recording. Hi Alpha Siddiqui, how are you? Please, जो भी अगर फीड पे हमें देखने आ रहा है वो हाई कीजिए, पिंग कीजिए. एक्चुअली हमें पता नहीं चलता है कौन कौन इस फीड पे आ रहा है, बिकॉज वी आर लाइव फ्रॉम द लैपटॉप एंड ऑल्सो फ्रॉम द लाइव स्ट्रीम यार. Waiting for the audience. Good Alphas. Waiting for the audience. जैसे ही audience आएंगी हम अपना ये session शुरू करने वाले हैं, जल्दी से जल्दी. Okay. In the meantime, let me give you the introduction here. सबसे पहले तो I would like to introduce the topic that we have. हमारा topic आज का है supplements and proteins, facts and myths busted. Now, fact क्या है protein को लेके, myth क्या है, मतलब लोगों के मन में क्या क्या चीजें हैं जो एक्चुअली ट्रू नहीं होती. ये सारी चीजें हम आज इन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं. बड़ा आई ओपनिंग सेशन होने वाला है जिसमें जो राहुल है हमारे साथ, हु इज आल्सो द फाउंडर ऑफ रोवर वाइब्स, ही इज गोइंग टू टॉक अबाउट एंड क्लैरिफाई दीज थिंग्स. ही इज अ फिटनेस प्रोफेशनल, ही इज अ न्यूट्रिशनिस्ट, ही इज अ स्पेशल पॉपुलेशन एक्सपर्ट, ही इज एन एनाबॉलिक कोच, एंड दीज आर जस्ट अ फ्यू थिंग्स व्हिच आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट हिम. एंड इन हिज 8 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस he has gathered so much knowledge which he would like to share with you, specially related to protein, because protein ek aisi cheez hai jiska logon ne bahut ek big deal bana rakha hai, ek bahut taboo bana rakha hai, which is why we thought that it is better for the people to understand ki protein actually mein aapke liye kitna beneficial hai, kis form mein use liya ja sakta hai, kis form mein wo beneficial shayad nahi bhi aapke liye, kis type ke proteins hote hain, and protein ke bare mein itna log क्यों अपने माइंड में रखते कि नहीं ये शायद चीजें अच्छी नहीं है. सो इस चीज को हमने थोड़ा सा ब्रेक डाउन किया है, एंड फैक्ट और मिथ के अलावा हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे जो सप्लीमेंट्स होते हैं उनका क्या रोल होता है, सप्लीमेंट्स इन द सेंस प्रोटीन के जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो. सो व्हाट इज द रोल ऑफ दोज सप्लीमेंट्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट द डॉक्टर्स एडवाइज. So, जो डॉक्टर्स आपको एडवाइस देते हैं प्रोटीन के रिगार्डिंग, वी आर गोइंग टू ऑल्सो टॉक अबाउट दोज थिंग्स. हमने ये वेबिनार फॉर्म किया है सो दैट हम लोगों की क्वेरीज भी इस वे में आंसर कर सकें. प्रोटीन किसी वीकनेस से या किसी इलनेस से या किसी डिजीज से रिकवर करने के लिए कितना जरूरी है,
हम ये भी आपसे डिस्कस करेंगे, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वे प्रोटीन जो होता है, जिसे हम डब्बे वाला प्रोटीन भी कहते हैं, कि प्रोटीन का डब्बा जो होता है, उसके कितने टाइप्स हैं, उसका क्या बेनिफिट है, किन लोगों के लिए वो एक्चुअली जरूरी है, किन लोगों को वो यूज करना चाहिए, किन लोगों को वो यूज नहीं करना चाहिए, एंड जो जनरल क्वेरीज होती है रिगार्डिंग प्रोटीन, सो वो ये सब चीजें हम इस सेशन में आज कवर करने वाले हैं. एंड इफ यू विल पार्टिसिपेट इन दिस सेशन, आप इस फीड को, हमारे पेज को लाइक करेंगे, हमारे पेज को, हमारे फीड को शेयर करेंगे, सो यू विल ऑल्सो गेट अ चांस टू हैव प्री न्यूट्रिशन काउंसलिंग विद 1999. पिछले टाइम लास्ट वेबिनार जो हमारा टैरो का हुआ था, आई गॉट 3 एंट्रीज फॉर लकी ड्रॉ, जिसका रिजल्ट मैं बहुत ही जल्दी अनाउंस करवाऊंगी, एंड आई एम श्योर पीपल मस्ट बी वेटिंग दैट हु हैज वन दैट लकी ड्रॉ दिस टाइम. विद इन 2 आवर्स नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन अ नंबर. एंड फॉर टूडे आई वुड ऑल्सो एडवाइस कि अगर आपको ये फीड अच्छी लगी, भले ही आप इसे लाइव देख रहे हैं या रिकॉर्डेड देख रहे हैं, देन प्लीज you know, go to our section, go to our page in the review section. Please give an honest feedback about how did you like this session. Jabhi bhi aap dekhe, please tell us how did you like this session. And you can also get a chance to win free nutrition counseling with Rahul for 1999, which is going to be something which is a customized plan for you. So it's going to be also very beneficial for you. So we're just waiting for a few more minutes. How is the weather over there? Whoever is watching, आज weather बहुत distorted है and little late is because there is a lot of network distortion. So I'm not sure if you guys can hear me clearly. Can you guys hear me clearly? Can you hear me well? Please let me know. आपको आवाज आ रही है? तो गाइज, अगर आपको किसी भी प्रोटीन या किसी भी सप्लीमेंट्स के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है मन में, तो आप वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है. और ये जो फीड है, बेसिकली हमने ये जो क्वेश्चंस है, ये बड़े ही बेसिक क्वेश्चन होंगे. ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन नहीं होंगे कि जो कि सिर्फ फिटनेस प्रोफेशनल्स या डॉक्टर या डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट ही समझ पाए. ये बड़े ही कॉमन क्वेश्चन होंगे जो कि हर किसी के माइंड में रहते हैं, और हर कोई मतलब इसको मिसगाइड करता है. सही भी चीजें बताते हैं लोग, गलत भी चीजें बताते हैं लोग. तो आज इसी चीज पे, इसी टॉपिक पे हम सारा बातें करेंगे, ठीक है. शी इज समारा, शी इज अ टैरो कार्ड रीडर, आल्सो अ फाउंडर ऑफ रोवर वाइब्स, जिसपे कि आप फीड देख रहे हैं, ठीक है. शी इज आल्सो अ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग इन कॉर्पोरेट. हाय, अब हम लोग एक्चुअली सेशन की तरफ बढ़ते हैं. वी आर गेटिंग अ फ्यू व्यूअर्स एंड हुएवर इज गोइंग टू वॉच दिस फीड लेटर ऑन एंड इवन राइट नाउ. सो अभी ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं राहुल आपसे ये पूछना चाहती हूँ, माय ओन क्वेश्चन, दैट ये चीजें आपने प्रोटीन एंड सप्लीमेंट्स के बारे में पहले भी सुनी होंगी जी. सो पहले आपका इन चीजों को लेकर क्या नजरिया था जब आपको ये नॉलेज नहीं थी या जब आप फिटनेस इंडस्ट्री में नहीं थे? So, आपका क्या नजरिया था इस चीज को लेकर? पहले जब मैं सर्टिफाइड नहीं था और मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, तो उस टाइम पे होता क्या था, कभी जिम में गए तो उसने बोला प्रोटीन पाउडर ले लीजिए, तो कभी डॉक्टर के पास गए उसने बताया कि प्रोटीन पाउडर बहुत खराब चीज है, इसको नहीं लेना है, इससे आपका हार्ट फेल हो जाएगा, किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है, बॉडी बिल्डर्स प्रोटीन खाते हैं और मर जाते हैं. कुछ सही भी बातें और गलत भी बातें मेरे को इतनी सारी बताई जाती थी कि एक प्रोटीन पाउडर को लेने से पहले मैं 100 बार सोच रहा था कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. मेरी फैमिली को कन्विंस करने में सिर्फ एक प्रोटीन पाउडर को मैंने इतना बड़ा टाइम लगाया जिसकी कोई हद नहीं. और लोग इस तरह से पूछ रहे थे कि प्रोटीन यार, आप प्रोटीन खा रहे हो, डब्बे वाली बॉडी बना रहे हो, तो वो बिल्कुल गलत था, ठीक है. तो उसके बाद मैंने नॉलेज गेन करना शुरू की कि ठीक क्या है, गलत क्या है, इस चीज पे मैं गया. तब मैंने जाके कोर्स ज्वाइन किया,
और उस कोर्स ज्वाइन करने के बाद में मैंने कई सारे कोर्सेज किए। हाय लगनजीत, आई रिमेम्बर, गुड इवनिंग, आप पहले भी आए हुए हो। अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट अ टैरो फीड, दिस इज एक्चुअली अ वेबिनार ऑन फिटनेस एंड न्यूट्रिशन। सो अगर आप जिम जाते हो या घर में वर्कआउट करते हो या एक्सरसाइज करते हो, सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। ओके, अभी लॉकडाउन कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, कभी मंडे ट्यूजडे बंद कर रहे हैं, कभी सैटरडे संडे बंद कर रहे हैं, राइट? एंड अभी लोगों ने जिम जाना स्टार्ट करा है एंड वी हैव गॉट मेनी क्वेरीज रिगार्डिंग दैट, व्हाट टू डू, हाउ टू रिकवर। लोगों के बहुत हेल्थ से रिलेटेड जो है मतलब प्रॉब्लम हुई है, उनको हालत खराब हुई है, लोगों के वेट बढ़ गए हैं, जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो गई है, काफ़ी सारी चीज़ें लोगों के साथ हो रही हैं इन अ वेरी अनहेल्दी वे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि उनके लिए राइट चीज क्या है। सो दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म कि अगर आपने जिम जाना वापस स्टार्ट किया है या किसी भी फॉर्म में फिजिकल एक्सरसाइज स्टार्ट करी है, सो जैसे राहुल की जर्नी रही है, वैसे ही राहुल इज द परफेक्ट पर्सन टू गाइड यू इन योर ओन फिटनेस जर्नी राइट नाउ। सो प्लीज पार्टिसिपेट एंड लेट अस नो अबाउट योर क्वेश्चंस एंड कमेंट रिलेटेड टू योर फिटनेस रिजीम, रिलेटेड टू योर हेल्थ, रिलेटेड टू एनी स्पेशल कंडीशन दैट यू हैव। He is a special population expert, which means he handles special conditions like joint health, ho gaya, diabetes, thyroid, PCOS, PCOD, and SAE, obesity. So there are, you know, the list is endless. So he is the one who prescribes diets or, you know, nutritional diets for people on these kind of medication. And there are so many testimonials that we have, which you can look on our page, in which people have gone off medication as well. So agar koi bhi queries hai, aapke health se related, jo aap pooch sakte ho. कोई भी क्वेरीज है आपके फिटनेस से रिलेटेड, एक्सरसाइज से, वर्कआउट से रिलेटेड, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से रिलेटेड, कार्डियो से रिलेटेड, सो आप वो भी पूछ सकते हैं। एंड प्रोटीन से रिलेटेड तो हम बात कर ही रहे हैं, सो अगर इंटरेस्टिंग आपको लगता है, आपके मन में कोई क्वेरी आती है, सो प्लीज फील फ्री टू आस्क अस। सो राहुल, वी मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव। आपकी फिटनेस जर्नी जो आपने बताया, इट्स वाज अ लॉन्ग जर्नी, बहुत स्ट्रगल इन्वॉल्व हुआ होगा आई एम श्योर। जी बिल्कुल, काफी सारा टाइम आपके सामने ऐसे लोग भी आए होंगे जो ये सोचते होंगे कि नहीं अभी यू नो ही इज न्यू, ही डजंट हैव नॉलेज, राइट? तो ये हमको क्या बताएगा? तो ऐसे क्या सिचुएशंस आपके लाइफ में आए आपके सामने? नहीं, ऐसे आता है, बहुत लोग आते हैं जो कि मुझसे कुछ प्रोटीन के लिए पूछते हैं या सप्लीमेंट्स के लिए पूछते हैं, एडवाइस लेते हैं मुझसे, लेकिन करते वो चीज है जो उनको खुद ही मालूम होती है, खुद के जो कम्फर्ट में होती है। जैसे कि मुझसे उन्होंने कहा कि सर प्रोटीन में क्या खाएं, हम दालें खा रहे हैं। दाल इज नॉट अ ग्रेट क्लास ऑफ प्रोटीन, तो बेटर ये है कि आप वो दाल ना खा के कुछ अंडे जैसी चीज खा लीजिए, पनीर जैसी चीज खा लीजिए, मिल्क, सोर्स ऑफ मिल्क से कुछ बनी हुई चीजें खा लीजिए, वो ज्यादा बेटर है। तो नहीं नहीं मेरी तो मम्मी ऐसे कहती थी, मेरी तो दादी ऐसे कहती थी, दादी इज नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट, ठीक है, मम्मी इज नॉट अ डाइटिशियन। तो आप मम्मी और दादी की मानते हैं, मानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेस्ट के मामले में मैं भी उनकी मानता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप, मैंने जो कोर्सेज किए हैं, मैंने इस चीज पे पढ़ाई की है, रिसर्च की है बहुत सारी, प्रैक्टिकली मैंने बहुत लोगों पे अप्लाई किया है, तो मुझे वो चीजें मालूम है। तो बेटर ये है आपके, जैसे अब मुझे किसी डॉक्टर के, डेंटिस्ट के पास जाना है, दांत में अगर पेन है तो डेंटिस्ट के पास ही जाऊंगा, उस डेंटिस्ट से ये थोड़ा ना बोलूंगा मेरे शू सिल दो, right? जो उसका काम होगा वो बेहतर तरीके से कर पाएगा। यहाँ आप डेंटिस्ट को नहीं बताओगे कि मेरी मम्मी ने बोला था यहाँ पे ऐसे हो रहा है, लेकिन जब डाइट लेने की बात आती है, न्यूट्रिशन लेने की बात आती है, तो आप लोग कहते हैं नहीं, हमारे यहाँ एक लड़का है वो ऐसे बोल रहा है, हमारे यहाँ एक बंदी है वो ऐसे बोल रही है, किसी ने ये बोला, किसी ने वो बोला। तो आप फैक्ट्स की तरफ जाइए, जो इस चीज में प्रोफेशनल है आप उसकी तरफ जाइए, जिसने इस चीज की पढ़ाई की है आप उसकी तरफ जाइए, वो ज्यादा बेटर है। Saul Pannu, I think you have been active on our page. We have spoken before as well. This time your question is related to protein, jiska hum answer jaldi karenge. And thank you for this question. And ye bahut hi aap jagah aaye ho. And Saul, I would also like to tell you that, you know, in this case, we are also giving free nutrition counseling worth 1999 with Rahul. So there is a number in the DM. So if this is actually, we're giving it to one lucky person. So please, हमारे पेज पे जाके आप रिव्यू कर सकते हो regarding how did you like this session. All you have to do is tell us about how this session was, and you know, we'll get you connected with Rahul one on one, and आपको डिटेल में
नॉट ऑन अ लाइव वेबिनार, डिटेल में ऑन फोन वी विल आंसर दिस. अभी तो हम आंसर करेंगे ही करेंगे बिकॉज अभी बहुत शॉर्ट में कर पाएंगे, बट वील गिव यू अ डिटेल काउंसलिंग एज वेल. सो इस पीक को प्लीज हमारे पेज पर जाके रिव्यू जरूर करिएगा एंड वील कम बैक टू योर क्वेरी प्रिटी सून. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. किस तरह के मिथ जो है प्रोटीन से रिलेटेड जो आपके सामने आए हैं? जैसे एक मिथ मुझे पता है कि लोग बोलते हैं कि दाल खाओ दाल में प्रोटीन है, राइट? एक तो ये मिथ है कि दाल में प्रोटीन है, तो दाल में ऐसा तो नहीं है कि प्रोटीन नहीं है, पर दाल में प्रोटीन होता है, लेकिन वो मतलब व्हाट इज दैट ऑल अबाउट, मतलब व्हाई? एक्चुअल में होता क्या है, लोग या फिर घर में ही हमें थर्ड क्लास में भी इनफैक्ट पढ़ाया जाता था कि दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, लेकिन ऐसा ठीक कहना नहीं होगा. अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिसर्च, दाल में वो 9-10 एसेंशियल एमिनो एसिड नहीं है जो किसी भी प्रोटीन को सोर्स, किसी भी प्रोटीन सोर्स को फर्स्ट क्लास सोर्स ऑफ प्रोटीन बना सके. ठीक है, तो दाल आपकी बॉडी में जाके टिश्यूज रिपेयर नहीं कर सकती है, मसल रिपेयर नहीं कर सकती है, हेयर ग्रोथ में, नेल ग्रोथ में साथ नहीं दे सकती है. तो दाल, दैट्स व्हाई दाल इज नॉट अ सोर्स ऑफ फर्स्ट क्लास प्रोटीन. तो फर्स्ट क्लास जो प्रोटीन होगा वो ही आपकी बॉडी में फर्स्ट क्लास की तरह रिएक्ट करेगा, लेकिन दाल में जो अमीनो एसिड्स मिसिंग हैं वो चावल में होते हैं. तो दाल के साथ थोड़ा सा चावल डाल लीजिए या दाल के साथ थोड़ा पनीर डाल लीजिए, तो जो अमीनो एसिड दाल में मिसिंग है वो पनीर या राइस में अवेलेबल है, तो उससे आप फर्स्ट क्लास सोर्स ऑफ प्रोटीन बना सकते हैं. ठीक है, लेकिन बनाने, उसको बनाने से बेटर ये है कि आप कोई फर्स्ट क्लास सोर्स ऑफ प्रोटीन ही चूज करें, ना कि दाल. राइट, तो और क्या मिथ्स आपके सामने आते हैं जो, इनफैक्ट कुछ इंक्वायरीज भी हमें आई है जिसपे आपको लगता था अच्छा ये भी प्रोटीन है. अभी लेटेस्ट मैंने पता नहीं कोई इंक्वायरी आई थी जो मेरे को ध्यान है, ऋतु ने बताया था कि somebody said that मैं तो प्रोटीन खा रहा हूँ, आलू में भी प्रोटीन था. आई रिमेम्बर दिस, आलू में भी प्रोटीन था और मेरे को समझ में आया. मेरे को तो जहाँ तक पता था आलू में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बहुत भर भर के होते हैं, बट आई डिडंट अंडरस्टैंड इट हाउ. सो प्लीज टेल अस अबाउट ऑल द नॉनसेंस दैट यू हैव हर्ड सो फार. ऐसी अभी आलू में प्रोटीन वही लोग ढूंढते हैं जो कि अंडे वाले केक में अंडा ढूंढते हैं. ठीक है, तो आलू में किसी तरह का कोई भी प्रोटीन नहीं होता, कोई प्रोटीन का नामो निशान नहीं होता है. ठीक है, मेरे, मुझे ध्यान है उसने मुझे भी पिंग किया था. आलू में किसी तरह का कोई प्रोटीन नहीं होता है, वो सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है. अगर आपके मैक्रोज यानी कि फैट, प्रोटीन, कार्ब्स, ये तीन चीजें मैक्रोज में काउंट होती हैं, अगर ये आपको अलाउ करते हैं तो आप आलू खा सकते हैं कार्बोहाइड्रेट की तरह, ना कि प्रोटीन समझ के उसको. करेक्ट, करेक्ट. व्हाट ऑल अदर मिथ्स दैट यू हैव कम अक्रॉस? बहुत सारे मिथ हैं इस पे. मेरे ही एक क्लाइंट हुआ करते थे किसी टाइम पे, जब मैं आज से 6-7 साल पहले काम किया करता था एक जिम में, तो उन्होंने मुझको बताया कि जब से मैं प्रोटीन खा रहा हूँ मेरे हेयर फॉल शुरू हो गया, जब से मैं प्रोटीन खा रहा हूँ मेरे स्टमक ब्लोट होने लग गया. इनफैक्ट सॉल का भी क्वेश्चन है कि मैं प्रोटीन 3 times a day खा रही हूँ तो मेरा वेट ऊपर जाता है. सॉल प्लीज हमें इन द मीन टाइम ये बताइए आप खा क्या रहे हो प्रोटीन में? व्हाट डू यू कंसीडर प्रोटीन? व्हाट इज दैट आइटम? राइट सॉल पन्नू, आपके ही क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी, बल्कि इनफैक्ट आ ही गया हूँ. 3 times a day आप जो प्रोटीन खा रहे हो वो सोर्स ऑफ प्रोटीन है क्या, प्लीज एक बार मेंशन कीजिए. हाँ, इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा मैं, थोड़ी सी चीजें भी आपको समझ में आएंगी. हाँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे टमी जो है वो ब्लोटिंग फील हो रहा है, ये हो सकता है. ठीक है, लेकिन बालों का झड़ना ये जेनेटिकली है. ठीक है, या फिर आपके बॉडी में विटामिंस और न्यूट्रिशन की बहुत कमी हो रही है जिसकी वजह से ये हो रहा है. तो प्रोटीन अगर आपने ऐड किया है तो प्रोटीन तो क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है बॉडी का. आपकी हेयर ग्रोथ प्रोटीन के बिना नहीं हो सकती है, और ये जरूरी नहीं है कि आप प्रोटीन नहीं खा रहे हो तो हेयर ग्रोथ नहीं होगी. हमारी बॉडी जो है, मसल्स जो हैं, वो ऑलरेडी अमीनो एसिड्स और प्रोटीन से बनी हुई हैं, तो वहां से बॉडी प्रोटीन लेती रहती है हेयर ग्रोथ के लिए. बॉडी को पहली चीज है सर्वाइव करना, बॉडी सर्वाइवल के लिए प्रोटीन लेती है और आपके हेयर ग्रोथ, नेल ग्रोथ और भी जो भी फंक्शन है उनमें लगाती है, जो कि बॉडी में अवेलेबल प्रोटीन होता है. ठीक है, तो हम जब बाहर से एक्सटर्नल प्रोटीन नहीं डालते हैं तो उसमें क्या होता है, बॉडी इंटरनली ही हमारी मसल्स में से प्रोटीन लेने लगती है.
जिसकी वजह से कमजोरी और हेयर फॉल और किडनी प्रॉब्लम, ठीक है, हार्ट प्रॉब्लम, या धीरे धीरे एक बड़े लेवल पे शुरू हो जाती है जब बड़े लेवल पे पहुंचती है। सोल पन्नू, फिश और मीट, हाय सोनी मैम, फिश और मीट परफेक्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन आप खा रहे हैं, और 3 times अगर आप खा रहे हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है इससे, ठीक है। आपके किडनी वीक है ये इस तरह से मैं नहीं बता पाऊंगा, ये KFT टेस्ट होता है उसमें पता चलेगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप जो प्रोटीन खा रहे हैं उसकी वजह से वीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। प्रोटीन, इन शॉर्ट ही इज सेइंग प्रोटीन इज नॉट द रीजन फॉर दिस प्रॉब्लम। प्रोटीन कोई रीजन नहीं है, ठीक है। प्रोटीन आपकी बॉडी को हील करने वाला है, रिपेयर करने वाला है, ठीक है। फिश और मीट के अलावा जो आप पूरे दिन में खा रहे हैं वो देखिए क्या गलत है क्या सही है। अगर आपको एक बार को 1% में मान लेता हूं, बाई एनी चांस फिश या किसी भी तरह का मीट आपको आपकी बॉडी को हार्म कर रहा है, तो एक बार हटा के देखो। अगर हटा देते हो और बॉडी में फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बिल्कुल कर रहा है, लेकिन ये जब हटा दिया है उसके बाद भी सेम प्रॉब्लम है, तो मतलब कि प्रोटीन, ये फिश और मीट आपकी बॉडी में प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं। एग्स भी, लेकिन मैं अभी ब्रेकफास्ट में। हाय सोनी मैम, हाउ आर यू मैम, और टोस्ट खाता हूँ, ठीक है। एग्स भी आप अच्छा खासा प्रोटीन खा रहे हैं, अब डिपेंड करता है, चीज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट टोस्ट भी कोई दिक्कत नहीं है, तो सोर्स ऑफ प्रोटीन आपकी बॉडी में ठीक जा रहा है। तो डियर, आप जो प्रोटीन ले रहे हो बिल्कुल सोर्स ऑफ फर्स्ट क्लास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 times 6 times भी खाओगे कोई परेशानी नहीं आने वाली है। बाकी आपके डॉक्टर से, आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया होगा कुछ टेस्ट के लिए, वो टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं बता पाऊंगा कितना प्रोटीन ठीक है बॉडी के लिए। और इनफैक्ट मुझे नहीं लगता कि आप आधा किलो मीट खा रहे हैं, आधा किलो फिश खा रहे हैं, और 50, 20, 30 अंडे खा रहे हैं, ऐसा पॉसिबल होता तो शायद कुछ प्रोटीन नुकसान कर सकता आपकी बॉडी को। लेकिन अगर डेली न्यूट्रिशन जो आप डाइट के थ्रू ले रहे हैं तो ये कम ही जा रहा होगा। सो व्हिच इज व्हाई सॉल आई वुड सजेस्ट प्लीज रिव्यू दिस ऑन आवर पेज एंड बी एलिजिबल टू हैव अ न्यूट्रिशन काउंसलिंग सो दैट यू कैन एक्चुअली डिस्कस दिस विद राहुल इन डिटेल, बिकॉज़ अभी जो आप डिटेल्स बता रहे हो उस बेस पे बॉडी में आपके खराब कुछ नहीं जा रहा, बट देयर आर रीजंस वेयर आपका वेट जो इंक्रीज हो रहा है उसके पीछे के बहुत सारे रीजंस होते हैं जो कि राहुल आपसे कॉल पे भी क्लैरिफाई करेंगे। राहुल, वेट गेन भी होता है समटाइम्स, राइट? कुछ कंडीशंस में वेट गेन हो सकता है, लेकिन उसका कसूर सिर्फ प्रोटीन का नहीं होता है, आपकी पूरी डाइट का होता है। आपकी कैलोरीज इंटेक जब तक ऊपर नहीं जाएगी वेट गेन नहीं होने वाला होता, ठीक है, या फिर आपके हार्मोनल डिसबैलेंस नहीं होगा तो वेट ऊपर नीचे नहीं होगा, ठीक है। थायराइड है या फिर टीबी कोई प्रॉब्लम है, T3 हार्मोन में दिक्कत है, इंसुलिन सेंसिटिविटी है, ब्लड प्रेशर का भी उन्होंने बताया कि मेडिकेशन ये ले, बीपी है, आप स्पेशल कंडीशन में आ रहे हैं, बीपी का, दैट्स व्हाई आई सजेस्ट दैट प्लीज रिव्यू एंड डिस्कस वन ऑन वन विद यू सो दैट यू नो यू विल गेट अ गुड आईडिया अबाउट योर लाइफस्टाइल चॉइसेस व्हिच आर Which you are taking right now, right? तो आपका जो भी किडनी का फंक्शन हो रहा है, किडनी के फंक्शन की वजह से आपका वेट गेन हो रहा है, ये इस तरह से मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। तो बेटर ये है कि आप प्रोटीन, कार्ब्स, फैट तीनों को बैलेंस में करिए। And balance doesn't mean you have to take like equal, ऐसा नहीं होता, मैक्रोज होते हैं, मैक्रोज होते हैं, उसका काउंट होता है एक तरह का, वो मैं बताऊंगा किस तरह से करना है, ठीक है। और आपके लिए बहुत ही ईजी है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट को बैलेंस करना, ठीक है, क्योंकि आप नॉन वेजिटेरियन है, सबसे बेटर फॉर नॉन वेजिटेरियन, इजी फॉर नॉन वेजिटेरियन, प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम होता है ज्यादातर वेजिटेरियन, एगिटेरियन एंड वीगन, ठीक है, जेनिटेरियन, इन लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो रिलीजियसली मतलब अगर किसी का कोई चाहता है मैं प्रोटीन मीट से ना लूं तो आपका कॉल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रोटीन कौन से सोर्स से लें वो जानने के लिए आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सो आई एम गुड टू, थैंक यू सोनी मैम। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई वांट टू आस्क यू कि एक्चुअल में जो सप्लीमेंट्स होते हैं, ये जो प्रोटीन होता है या डब्बे वाला प्रोटीन कह लो जिसे, या मतलब इसका रोल क्या होता है?
सी डब्बे वाला प्रोटीन ये लोगों ने बड़ा बदनाम किया हुआ है, ठीक है, कि ये तो पाउडर खा के हो रहा है, ये तो पाउडर खा के बॉडी बना रहा है, लेकिन वो प्रोटीन बॉडी बनाने के लिए नहीं होते हैं, बॉडी के मसल्स टिश्यू जो होते हैं उसको रिपेयर करने के लिए होते हैं। तो मसल्स टिश्यू को रिपेयर करना ये तो अच्छी बात है, ये कोई बॉडी बिल्ड करना नहीं होता है, ठीक है। बेटर बॉडी आपकी ऊपर वाले ने दी हुई है, आप उसको खराब कर लेते हैं कुछ कुछ खा के, कुछ जंक खाया, कुछ प्रोसेस फूड खाया, हाई कैलोरीज फूड खाए आपने, तो उसकी वजह से बॉडी खराब होने लग जाती है, ठीक है। तो प्रोटीन जो है डब्बे वाला प्रोटीन वो कब लेना है आपको, वो अगर आपको लगता है कि आप वेजिटेरियन हैं, अगर आपको लगता है आप नॉन वेजिटेरियन हैं लेकिन नॉनवेज उतना नहीं खा पा रहे हैं जितना कि आपके न्यूट्रिशनिस्ट ने एडवाइस किया है, रिकमेंड किया है, ठीक है। तो और इजी वे भी है वो, जैसे मैं अभी ट्रैवल करता हूं, मैं कोशिश हमेशा ये रखता हूं कि मैं कम से कम प्रोटीन पाउडर का यूज करूं। पहली चीज तो महंगा भी है, दूसरी चीज अगर मेरे सेशन बैक टू बैक होते हैं तो उस टाइम मैं खाना नहीं खा सकता हूं बहुत ज्यादा, जितना मेरी प्रोटीन इंटेक है मैं उतना खाना नहीं खा पाता हूं, तो मैंने प्रोटीन डब्बे में डाल सॉरी शेकर में डाला, शेक किया पानी के साथ और पी गया। हार्डली 2 मिनट लगते हैं, ना कुक करने की जरूरत है और मेरी बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी पूरे जा रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट। But I think I also feel like you also suggest all the time कि natural sources से protein हमेशा बेहतर रहता है, right? So तो मैं हमेशा यही suggest करता हूँ आपको कि आपने जो protein लिया है उसमें लिखा है 25 grams each scoop, उसमें अगर ये लिखा है लेकिन आपको नहीं पता उसमें है या नहीं है, लेकिन अगर आप मीट लेके आए हैं उसमें 100% होगा ही होगा, 20-24 grams ईच 100 ग्राम में होगा ही होगा, सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन कीजिए, खाइए बस, ठीक है। लेकिन आपके जो उसमें डब्बे पे लिखा है 25 ग्राम प्रोटीन है, हो सकता है 18 हो सकता है उसमें अमीनो स्पाइकिंग हो जिसकी वजह से प्रोटीन ज्यादा दिखता है उसमें, लेकिन बॉडी एब्जॉर्ब करती है अराउंड 18-20 ग्राम, ठीक है। लेकिन फिश चिकन किसी भी सोर्स जो कि मीट का है या एग्स हैं, एक आइडल एग्स में 6 ग्राम प्रोटीन होता है, ठीक है। तो आप उससे डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर ये क्या बोलते हैं, जब भी आप ये प्रोटीन ले रहे हैं, एग्स हो गया, फिश हो गया, मीट हो गई, तो कैलकुलेशन के साथ ही आपका पेट भी भरते हैं, लेकिन प्रोटीन पाउडर आपका पेट भर नहीं सकता है, आपको हंग्री फील होगा। प्रोटीन पाउडर अगर आप पानी के साथ लोगे आपको हंग्री फील होगा, तो क्रेविंग रहती है। हाँ जी, तो मैं सजेस्ट करता हूं पहली चीज आप जाइए डाइट पे, आपके फूड पे, तो जो भी आप फूड खा रहे हैं वो अच्छे से खाइए, ठीक है। अगर उससे इंटेक पूरी नहीं हो पाती है प्रोटीन की तो आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स पे जाइए। प्रोटीन रिकवरी के लिए कितना अच्छा रहता है राहुल? प्रोटीन एक्चुअली रिकवरी से आई एम टॉकिंग अबाउट पूरे दिन की जैसे थकान होती है, राइट? डे टू डे हमारा लाइफ रहता है, सुबह मॉर्निंग से लेके यू नो टिल नाइट, सम पीपल आर यू नो वेरी बिजी ऑन टोर्स एंड एवरीथिंग, सो व्हेन यू टॉकिंग अबाउट रिकवरी वी आर टॉकिंग अबाउट रेस्ट एंड रिकवरी। जी, सो हाउ बेनिफिशियल प्रोटीन इज? प्रोटीन का देखो काम क्या है, प्रोटीन का मेन फंक्शन जो है आपके बोन्स बिल्डिंग ब्लॉक हो गया, मसल्स बिल्डिंग ब्लॉक हो गए, ठीक है, तो इन चीजों की ग्रोथ पे वो काम करता है, ठीक है। साथ ही साथ आपकी मसल्स को एनर्जी भी देता रहता है, ठीक है। हालांकि एनर्जी के लिए अगर आप कार्बोहाइड्रेट भी थोड़ा बहुत खा रहे हैं वो भी चलेगा, ठीक है। तो प्रोटीन को अपना काम करने दीजिए, कार्बोहाइड्रेट को अपना काम करने दीजिए, कार्ब्स को एनर्जी देने एनर्जी में यूज होने दीजिए और प्रोटीन को अपनी रिकवरी में रिकवरी के लिए जो जरूरी है वो काम करने दीजिए, ठीक है। सो ऑल्सो आई वॉन्ट टू नो कि यू नो रेस्ट एंड रिकवरी के लिए प्रोटीन इज वेरी गुड, नेचुरल सोर्सेज से हमें प्रोटीन लेना चाहिए, दैट इज वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट। डब्बे वाला प्रोटीन कह लो या वे प्रोटीन जो कह लो, इट इज वेरी गुड व्हेन यू डू नॉट हैव द टाइम एंड यू वॉन्ट टू मेक श्योर कि आपका न्यूट्रिएंट्स बॉडी में सही से चला गया है एंड आपके पास टाइम नहीं है, सो इट इज वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ टाइम कंज्यूम यू नो टाइम सेविंग
protein supplement. So that way it is very helpful, like you said. And I also want to know, you clarified certain myths about you know, kis cheez mein protein hota hai, kis cheez mein nahi. And kisi ko kuch poochna hai regarding anything that they have heard about protein, please aap pooch sakte hain so that hum aapko yahan clear kar sake. So I want to ask you about doctors. Aapke paas jo cases aate hain. Wait, Samara, main जिस तरह से मैंने बोला नेचुरल सोर्स से प्रोटीन आपको लेना चाहिए, जैसे कि मीट है, एग्स है, पनीर है, टोफू है, ईटीसी, ठीक है, एक्सेट्रा, जो भी है, तो लोगों के माइंड में सीधा सीधा ये भी चले जाता है प्रोटीन जो पाउडर फॉर्म में है वो नेचुरल नहीं है. ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है. तो प्रोटीन पाउडर फॉर्म में जो भी होता है वो बिल्कुल नेचुरल होता है, और वे प्रोटीन बिल्कुल नेचुरल होता है. क्यों? फर्स्ट क्लास सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, ठीक है. और दूसरा नेचुरल क्यों होता है? क्योंकि वे का मतलब है दूध में से बना हुआ. Correct. तो वे प्रोटीन. तो दूध से अगर आपको एलर्जी है, दूध से अगर आपको लैक्टोस इंटॉलरेंट भी है आप, तो भी प्रोटीन वो वाला लेंगे तो उसको कोई नुकसान नहीं करने वाला है. 99% लोगों में कोई नुकसान नहीं करने वाला है, ठीक है. अगर आप लैक्टोस इंटॉलरेंट है बहुत बड़ी लेवल पे, ठीक है, तो शायद कहीं थोड़ा सा ब्लोटिंग फील हो सकता है, गैस या फार्ट प्रॉब्लम हो सकती है आपको. लेकिन जो डब्बे वाला प्रोटीन है, प्रोटीन पाउडर मतलब, वो बिल्कुल नेचुरल है, वो दूध से ही बना हुआ है. दूध में जो अच्छी चीज है उसको ऐड कर दिया जाता है, और दूध में वो चीजें जिसका यूजेज कम है या फिर अदर सोर्स से मिल जाती है वो उससे हटाया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो तो आप कहीं से भी ले लेंगे. लेकिन कमी कहां आती है? प्रोटीन में. तो प्रोटीन उसमें होता क्या है? कैसीन, जो कि स्लो डाइजेस्टिव प्रोटीन होता है आपका, आप जब मिल्क पीते हैं तो स्लो डाइजेस्ट होता है बिकॉज ऑफ कैसीन. तो उसमें से कैसीन को हटा दिया जाता है. okay. उसमें से एक शुगर होता है जिसको कि लैक्टोस शुगर कहते हैं. लैक्टोस शुगर को हटा दिया जाता है, ठीक है. कार्बोहाइड्रेट जो कि ज्यादा होता है उसको हटा के कम से कम डाला जाता है. इनफैक्ट अगर आप कॉन्सेंट्रेट हो गया, आइसोलेट हो गया, और हाइड्रोलाइज जो कि टॉप क्लास ऑफ प्रोटीन है, उसमें आप देखेंगे तो ना के बराबर उसमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा. और उसके आई नो अबाउट दिस, हम अभी डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटीन. पर जबकि आपने प्रोटीन की बात करी है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वे प्रोटीन लाइक आइसोलेटेड हो गया या हाइड्रोलाइज्ड हो गया, इससे पहले यू मेंशन कैसीन. So I want to ask you, what is casein? What I have heard about casein is that casein log mostly raat mein lena prefer karte hain, so that raat mein jab wo so rahe hote hain, ye maine suna hai, is it a myth or is it true, please mere ko bataiye, ki raat mein wo jab so rahe hote hain so wo casein isliye lete hain ki raat mein during the recovery unko time to time, you know, all throughout protein ki supply milti rahe, so that is why they consume casein. Is that true? Ji bilkul theek hai, theek hai, lekin रियलिटी बताऊं तो आधा सच है आधा मिथ है. ओके. आधा सच कैसे है? अगर आप कैसीन ले रहे हैं कि रात को मेरी रिकवरी प्रॉपर होती रहेगी, तो रात की रिकवरी के लिए आपने कैसीन को लिया, तो कैसीन का काम क्या है? बॉडी में जो आप प्रोटीन ले रहे हैं कैसीन के थ्रू, वो धीरे 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 रिलीज होता है, और वो 7 से 8-9 घंटे तक चलता रहता है. तो मतलब जब आप सो रहे हैं उस टाइम तो आप बार बार उठे किसी तरह का कोई अंडा नहीं खा रहे हैं, मीट नहीं खा रहे हैं, हर 1-2 घंटे में कुछ खा नहीं रहे हैं, उठ उठ के तो कुछ खाने नहीं वाले हो. राइट. तो कैसीन लोग लेते हैं ये सोच के कि रात की जो रिकवरी है वो कैसीन के थ्रू अच्छी होगी. ठीक है, अगर कोई इस तरह से प्रोटीन लेता है वो कोई प्रॉब्लम, कैसीन लेता है कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन ये सोच के लेता है कि मैं कैसीन नहीं ले रहा हूं तो मेरी रात को रिकवरी नहीं हो पाएगी, मसल लॉस होगा, ये बिल्कुल गलत है. Okay. क्योंकि हमने 24 आवर में, पिछले 24 आवर में जितना भी प्रोटीन लिया है वो हमारा मेटाबॉलिज्म जो है, बॉडी मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म जो है उसको रात में रिकवर करेगा. ठीक है, और प्रोटीन को, बॉडी को जितनी प्रोटीन की जरूरत है अगर आपने वो दे दिया है तो कोई मसल लॉस का चांसेस नहीं है. आइडल कार्ब्स दे दिया है, आइडल फैट दे दिया है, तो बॉडी को स्पेशली कैसीन प्रोटीन की जरूरत नहीं है. लेना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन स्पेशली अगर आप उस पे खर्चा करते हो तो वो ठीक नहीं है. कैसीन वैसे भी महंगा ही आता है. राइट.
एंड से मुझे बड़ी अच्छी बात है इज व्हेन यू टॉक्ड अबाउट कि प्रोटीन डाइजेस्ट कब होता है, आयुष्मान खुराना के अकॉर्डिंग प्रोटीन कितना जल्दी डाइजेस्ट होता है, ये भी एक हमने मिथ है बहुत जल्दी सुना है, इट इज कमिंग फ्रॉम अ सेलिब्रिटी लाइक हिम व्हिच वाज वेरी वेरी शॉकिंग फॉर अस टू नो. व्हाई डोंट यू टेल अस अबाउट दिस, बिकॉज़ वी हैड अ गुड लाफ एंड अ वेरी गुड डिस्कशन एंड वेरी हेल्दी डिस्कशन ऑन दैट, सो प्लीज टेल अस राहुल. एक्चुअली मतलब मैं आयुष्मान खुराना के बारे में गलत नहीं बोलना चाहता, but he is but not a nutritionist. It's not a nutritionist, but it is our opinion as well, and I think everybody has the right to their opinion, and this is our opinion no matter who he is. He is one of my favorite actors. So don't do insurance, he is not listening. Nahi, okay. I am care. ठीक है, सुनता हूँ मैं, उसके सामने भी बोल सकता हूँ. So please tell us. तो हुआ क्या है, उन भाई साहब ने किसी टीवी चैनल या किसी रेडियो चैनल समथिंग, आई डोंट नो, ठीक है, बस मैंने वो शॉर्ट वीडियो देखा था, उन्होंने बोला था कि प्रोटीन पाउडर तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए. क्यों? क्योंकि एक चम्मच प्रोटीन जब आप ले लोगे तो उस प्रोटीन को आपकी बॉडी 3 साल में डाइजेस्ट करेगी. मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं भाई? आई थिंक इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्लो है, ये थोड़ा कुछ ज्यादा ही यहाँ पे चल रहे हैं. कौन से बंटी के साबुन की तरह स्लो होगा इनका प्रोटीन, पता नहीं कहां से लाते होंगे. ओह माय गॉड. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. तो उन्होंने ये बहुत ही, और वो कोई किसी भी तरह का कोई डॉक्टर नहीं है, कोई न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है, कोई डाइट छोटा सा डाइटिशियन भी नहीं है. इन फैक्ट यू नो, थोड़ा सा टॉपिक से डेविएट होते हैं, आई वांट टू टेल पीपल अबाउट यू नो हाउ आवर माइंड्स आर चैनलाइज्ड. फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी चीज का एड देखेंगे बार बार, ओके, बार बार किसी सोप का एड आप देखते हो, एंड कोई वो सोप का एड कोई सेलिब्रिटी या कोई इस तरह का कर रहा होता है, तो आपको लगता है वो द सेलिब्रिटी इज लुकिंग सो नाइस, दिस मस्ट बी अ वेरी नाइस सोप, एंड दैट इज द आर्ट बिहाइंड एडवर्टाइजिंग. जो आपको दिखता है वो बिकता है वाली बात है, करेक्ट. सो अब समथिंग आयुष्मान खुराना इज गोइंग टू से समथिंग वेरी ब्लीक अबाउट प्रोटीन लाइक दिस की 3 साल तक वो डाइजेस्ट नहीं होता. सो आई इमेजिन द काइंड ऑफ इम्पैक्ट ही इज क्रिएटिंग ऑन सो मेनी पीपल. And he is not even a nutritionist. I'm sure he must be some under some guidance from a nutritionist or a fitness expert. But why? Why do people do such things just to be in limelight and just to say something so out of the ordinary, and people will be like, oh my God, ऐसा होता है. And you know, आपको अपने खाने की तरह थोड़ा hatred हो जाएगा. अगर मैं तो protein खा रहा हूँ तो digest ही नहीं होगा. तो आप जिंदा कैसे हो अगर digest ही नहीं हुआ तो? जैसे आपका तो body काम ही नहीं करना चाहिए, should be dead. ये चीज बिल्कुल फालतू है जो उन्होंने बोली है कि 3 साल लगते हैं एक चम्मच प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में. अकॉर्डिंग टू साइंस, एक चम्मच वे प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में 1 घंटा आधा घंटा मैक्स लगता है, प्रोटीन स्कूप जो होती है, ठीक है, और वो फास्ट डाइजेस्टिव जो प्रोटीन होते हैं उनको 10 मिनट 15 मिनट में ही डाइजेस्ट हो जाते हैं, आधा घंटा 1 घंटा भी मैंने ज्यादा बोल दिया, राइट, ठीक है. तो ये उन ऐसी फालतू बातों पर प्लीज ना जाएं. एक्चुअली प्रोटीन स्पेशली हम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज अगर कहते हैं, जैसे पनीर का होता है, इट टेक्स मोर टाइम, चिकन थोड़ा इजी डाइजेस्टेबल है, बाकी फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन व्हिच आर फ्रॉम मिल्क वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, राइट. मिल्क जल्दी नहीं होता, उसमें कैसीन होता है. ओके, हां, यू जस्ट मेंशन, राइट. सो व्हिच इज दैट प्रोटीन, अगर किसी को लाइक फॉर एग्जांपल आई वांट टू गो टू द जिम एंड आई नो आई कैन नॉट ईट हैवी बट आई हैव टू फुलफिल माय न्यूट्रिशनल वैल्यू फॉर द डे. Like for example, मैंने मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट नहीं किया और मुझे जिम जाना है, so so what should be done? What should be done in that case? What can I eat from that time to make sure that you know I go to the gym and I don't feel bloated and I don't feel heavy and at the same time the protein is also digested and it gives me that energy that is needed for that workout. So see, पहली चीज तो ये psychology बड़ा psychological बड़ा पंडा रहता है इसमें. इसमें होता क्या है, हम लोगों को लगता है अभी मैं जिम में जा रहा हूं तो मैं कुछ ऐसा खाऊं जो कि मुझे एनर्जी दे दे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. ये ऐसा कोई वो नहीं है, ऐसा कोई प्रोटीन नहीं होता है या इस तरह से कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है कि आपने खाया और उसने आपको फटाफट से एनर्जी दे दी और आपने जिम में जाके ये लिफ्ट कर दिया या ये वजन उठा दिया. तो रियलिटी जानिए, आप जिम में जब जा रहे हो उससे पहले कुछ खाना है, बिल्कुल खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सोच के खा रहे हैं कि ये मुझे एनर्जी देगा तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने अभी से 24 घंटे पहले क्या खाया था वो आपका नेक्स्ट डे डिसाइड करने वाला है, राइट, ठीक है. तो
तो उस 24 घंटे में मतलब मेरे को अपना कल अच्छा बनाना है, तो आज मुझे अच्छा न्यूट्रिशन लेना होगा, अच्छे से प्रोटीन, अच्छे से कार्ब, अच्छे से फैट डालना होगा। Rightly said, Sony ma'am. Half ज्ञान useless है, half ज्ञान exactly useless है. In fact, he said half knowledge is always dangerous. जब तक आपको पूरी चीज पता नहीं होती, that thing is very dangerous because आप उसके basis पे अपने life के ऐसे ऐसे decisions ले सकते हो related to your own health, जो आपके लिए आगे जाके बड़े drastically गलत भी साबित हो सकते हैं. हमको ये realize भी नहीं होता, because in the absence of a good nutritionist, this is वेरी मच पॉसिबल. एंड हम इन चीजों को करेक्ट करने के लिए अगर डॉक्टर्स के पास जाएंगे, सो द डॉक्टर इज अगेन यू नो अ फिजिशियन, ही इज सपोज्ड टू लुक आफ्टर योर बॉडी पार्ट्स वेदर दे आर फंक्शनिंग प्रॉपरली और नॉट, बट दे आर नॉट न्यूट्रिशनिस्ट. तो वो आपको वही बताएंगे जो उन्होंने अपने 4 साल की डिग्री के एक चैप्टर में पढ़ा है. दिस इज हाउ मच, एक घंटे में पढ़ा है. तो उनका अगर आप किसी ने MBBS करा है, एंड इफ देयर आर डॉक्टर्स ओवर हियर हु आर वाचिंग अस, आई एम श्योर यू नो दैट फॉर न्यूट्रिशन यू हैव जस्ट स्टडीड फॉर 1 hour फॉर 1 chapter, एंड दैट डजंट मेक यू एन एक्सपर्ट. यू आर एक्सपर्ट, यू आर एक्सपर्ट इन अनदर फील्ड. सो व्हेन वी, बिकॉज़ हम लोग का माइंडसेट ऐसा है कि डॉक्टर हर चीज ट्रीट कर देगा, सो आप पहले ही चले जाओगे. लेकिन अगर आप अपनी लाइफस्टाइल चॉइसेस पहले ही करेक्ट कर लोगे, सो हो सकता है आपको ट्रीटमेंट की जरूरत ही ना पड़े. सो आई थिंक इट इज बेटर कि आपका कोई आपको दिक्कत नहीं है, इससे पहले कि आप एक स्पेशल कंडीशन में फॉल करो. यू फॉल इन अ जनरल कैटेगरी, यू डू नॉट हैव एनी स्पेशल कंडीशन रिलेटेड टू, कोई डिजीज आपके पास आपको नहीं है, कोई डायबिटीज का इश्यू नहीं है, कोई इंसुलिन लेवल आपका प्रॉब्लम में नहीं है. सो अगर ऐसा कोई चीज आपके पास नहीं है, सो यू कम इन अ जनरल कैटेगरी, एंड इफ यू आर इन अ जनरल कैटेगरी, इट्स ऑलवेज गुड टू टेक काउंसलिंग, ओके, फ्रॉम अ वेरी गुड न्यूट्रिशनिस्ट. एंड हाउ टू चूज अ गुड न्यूट्रिशनिस्ट इज अ क्वेश्चन दैट यू विल हैव इन माइंड. सो राहुल प्लीज आंसर हाउ टू चूज अ गुड न्यूट्रिशनिस्ट. जी मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ, लेकिन उससे पहले आपने जो क्वेश्चन किया है, इनफैक्ट आंसर किया है, उसमें मैं एक बात पॉइंट करना चाहूंगा. मेरे को प्रॉब्लम उन किसी भी बंदे से नहीं है कि डॉक्टर ने ये एडवाइस कर दिया, डॉक्टर ने वो एडवाइस कर दिया. तो प्रॉब्लम इस चीज से नहीं है, प्रॉब्लम मुझे उन लोगों से है डॉक्टर के पास जा रहे हैं कि सर हम क्या खाएं जिससे पतले हो जाएं. अरे बाबा, वो डॉक्टर खुद मोटा बैठा है, वो डॉक्टर खुद रात को बियर पीता है और आपको बताता है कि प्रोटीन मत खाओ. कैसे ये पॉसिबल है? अगर कोई भी डॉक्टर मुझे सुन रहा है तो प्लीज यहाँ पे कमेंट करके अपना डाउट भी क्लियर कर सकता है. आई एम ओपन, ठीक है. अगर आप किसी भी डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर आपको ये बोलता है आप सुपोज 2 अंडे खा रहे हैं या 100 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम चिकन भी खा रहे हैं डेली का, और वो बोलता है प्रोटीन आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हो रहा है, इसको बंद करिए, ये प्रॉब्लम की जड़ है. प्लीज चेंज द डॉक्टर. यस, इन दैट केस यू हैव टू चेंज योर डॉक्टर, एंड डॉक्टर इज नॉट द राइट पर्सन टू गो फॉर सच क्वेरीज. यू शुड गो टू यू नो फिटनेस कोच, यू शुड गो टू अ न्यूट्रिशनिस्ट if you want to you know look after your lifestyle or healthy life choices. I am also amazed ki doctor bhi batane lag jate hain aap ye khaiye, aap wo khaiye, aap falana khaiye, aap dhimkana khaiye. Unko theek hai, kuch tarah ki knowledge hoti hai apni field ki, theek hai, jisme ki unko nutrition bhi nahi, in fact kuch foods ke bare mein bataya jata hai ki kaun kaun si pareshani mein thoda in foods ko avoid karna hai. Like agar purine bada hua hai to source of purine jis bhi food mein hai वो आपको अवॉइड करने हैं. लाइक रेड मीट हो गया, वो अवॉइड करने हैं. तो यहां तक का वो बताते हैं तो समझ में आता है. लेकिन डॉक्टर अगर ये बोलते हैं, हाय एलिना, आई एम सो हैप्पी आई एम गेटिंग माय पीपल फॉर टैरो ओवर हियर, दिस इज नॉट अ टैरो सेशन. अनिला, थैंक यू सो मच फॉर योर रिव्यू, एंड आई रियली लाइक्ड व्हाट यू हैव रिटन अबाउट इट. एंड अभी हम टैरो के लिए लाइव आएंगे जल्दी, आई विल आंसर योर क्वेश्चन. अभी हम फिलहाल फिटनेस से रिलेटेड बात कर रहे हैं, ओके, एंड वी विल गेट इन टच विद यू शॉर्टली. थैंक्स फॉर योर क्वेश्चन. थैंक्स फॉर योर क्वेश्चन. बी इन टच प्लीज. बी इन टच प्लीज, एंड इफ यू कैन डू अ लिटिल समथिंग फॉर मी, प्लीज शेयर दिस फीड इन सम अदर ग्रुप. जी, तो मैं दोबारा से उस चीज पे आऊंगा, सो सॉरी कट हुआ. डॉक्टर्स वगैरह जो होते हैं वो थोड़ी ही ज्ञान की वजह से कुछ भी बताने लग जाते हैं, तो जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है. उन्हें एडवाइस करना चाहिए कि आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट से मिलो, या आप अपना फूड, अपने न्यूट्रिशन किस तरह से बेटर करो, ये किसी और से जाके पूछिए. अब सेम ही क्वेरी आप किसी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे चेस्ट में पेन है या टमी में पेन है, गैस्ट्रो वाले के पास जाते हैं,
और फिर उस वो बताता है आपको कि आप ये ले लीजिए, ऐसा ऐसा कर लीजिए और ये कर लीजिए, वहां तक ठीक है। लेकिन सेम ही आपने बोला कि डॉक्टर साहब मेरे है ना नी में प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो वो बोलेगा अच्छा अच्छा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया आपको प्रॉब्लम हो गई, तो वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, वो आपको कार्ड देंगे, बोलिए मेरा डॉक्टर है एक और इस डॉक्टर से आप जाके मिलिए, जॉइंट्स और बोन का स्पेशलिस्ट है, आप उनसे जाके मिलिए और ये आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देंगे और आप इनको एक कार्ड देंगे तो 10% आप मेरी तरफ से डिस्काउंट भी मिलेगा, डॉक्टर ये एडवाइस करेगा। लेकिन जहां न्यूट्रिशनिस्ट की डाइट में क्या लें ये बात आएगी, नहीं नहीं मैं सब कुछ जानता हूं। रिसेंटली वी वेंट टू अ केमिस्ट एंड समबडी वाज ट्राइंग टू सेल प्रोटीन शेक टू अस, 250 रुपीस में 1+1 फ्री है सर, और क्या उसने न्यूट्रिशन वैल्यू बताई थी, दैट इज जस्ट बीन लॉन्च, बड़ा नया ब्रांड आया अभी, ब्रांड वो पुराना ही है ग्रेनेड, तो उसका कोई शेक आया है, शेक आया ग्रेनेड का न्यू शेक इज लॉन्च एंड अ बार इज लॉन्च। जी अलीना मैं अभी बताता हूं आपके आपके क्वेश्चन पे, थैंक यू सो मच एंड आई सॉ यू शेयर्ड आल्सो, लव यू फॉर दैट। ठीक है तो मैं अभी आता हूं आपके क्वेश्चन पे, ठीक है। तो उसने क्या बोला मेडिकल स्टोर वाले ने, उसने बोला कि सर ये प्रोटीन शेक है, मुझे थोड़ा अच्छा सा लगा क्योंकि ऐसी चीजें मैं उठाता रहता हूँ, देखता रहता हूँ उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू। मैंने बोला कितने का है, तो वो इतना बड़ा प्रोटीन वो था 250 रुपीज का, सर ऑफर चल रहा है बाय वन गेट वन समथिंग समथिंग ब्ला ब्ला। मैंने बोला ठीक है लेकिन यार 250-300 रुपए का तो मैं 1 किलो चिकन लेके आऊंगा, मुर्गा लेके आऊंगा और उसको बनवाऊंगा, 50 रुपए ऊपर लग जाएंगे, 350 रुपए में मेरे को ऑलमोस्ट 500 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। मैंने उस बंदे को ये मतलब 100 ग्राम में 20 ग्राम है तो 1 kg में हुआ कितना हुआ, हाँ तो यार 200 ग्राम नॉट 500, 200 ग्राम अराउंड मेरे को प्रोटीन मिल जाएगा। तो बोला नहीं नहीं सर 100 ग्राम में तो 10 ग्राम प्रोटीन भी नहीं होता। मैंने बोला अच्छा मुझे तो नहीं पता, कह रहा हाँ सर, so we were trying to have fun with the fellow and we asked him questions, हाँ सर आप इसमें को लीजिए 25 ग्राम प्रोटीन है इसमें। तो मैंने बोला भाई न्यूट्रिशनिस्ट हूँ मैं, तो कह रहा ओह पहले बताना था ना सर। So this is how what happens and this is how you are sold something, ये नई चीज आई है मार्केट में, ये ऑफर चल रहा है, तो हम कभी न्यूट्रिशन वैल्यू चेक नहीं करते हैं पीछे। सो व्हेन यू आर अवेयर एंड यू नो व्हेन यू टेक अ न्यूट्रिशन काउंसलिंग ये सारी चीजें आपको जनरली क्लियर कर दी जाएंगी। सो आई अगेन दिस इज अ कॉल ऑन शॉर्ट आउट टू दोस पीपल हु आर वाचिंग अस इवन आफ्टर यू वाचिंग दिस फीड लेटर ऑन। इस वर्कशॉप के बारे में ऑनेस्ट रिव्यू हमें बताइए एंड यू गेट अ चांस टू विन फ्री काउंसलिंग विद राहुल एंड ये सारी चीजें, यू नो हाउ टू पिक द राइट फूड, ये सारी चीजें भी हम आपको उस काउंसलिंग में बताएंगे। सो इट इज गोइंग टू बी इजियर फॉर यू टू मेक दोस हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस एंड दिस इज जस्ट फॉर ऑन दिस फीड, सो दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री फ्रॉम आवर साइड। तो अलीना क्वेश्चन पे आते हैं आपके, आई एम ओवरवेट हाउ शुड आई टेक फूड। ठीक है पहली चीज आप कुछ भी खाते हैं, सपोज आप सुबह सुबह ब्रेड खाते हैं या एग्स खाते हैं या पनीर खाते हैं, जो भी आप कुछ खाते हैं उसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कर दीजिए, थोड़ा सा, विच इज कॉल्ड कैलोरी डेफिसिट। कैलोरीज डेफिसिट में जाइए आप, ठीक है, कैलोरीज ज्यादा जाएंगी बॉडी में तो बॉडी ओवरवेट होगी ही होगी, कोई नहीं रोक सकता। ये नहीं कह रहा कि आज मैंने कैलोरीज डाल ली तो आज ही ओवरवेट हो गया, ग्रेजुअली बॉडी वेट बढ़ाती है अपना, रिस्पॉन्ड करती है, जैसे बॉडी को टाइम लगता है वेट को कम करने में ठीक उसी तरह से टाइम लगता है वेट को गेन करने में। ठीक है तो बेटर ये है आपके लिए कि आप कोई भी फूड ले रहे हैं, अलीना लामा ये आपके लिए बता रहा हूं मैं कि कोई भी फूड आप ले रहे हैं उसमें पहली चीज तो प्रोटीन ऐड करें, प्रोटीन का बहुत ही कम हाथ है आपको मोटा करने में, ना के बराबर हाथ है आपको मोटा करने में, वो बेकसूर है। ठीक है तो सोर्स ऑफ प्रोटीन मैं अभी सभी को बता रहा हूं, सोर्स ऑफ प्रोटीन है मिल्क, पनीर, सोय, चिकन, फिश, एनी मीट। ठीक है तो ये जो चीजें हैं ये फर्स्ट क्लास सोर्स ऑफ प्रोटीन में आती हैं, और भी हैं थोड़ी बहुत, वो आप सर्च भी कर सकते हैं इजीली गूगल पे, सोर्स ऑफ फर्स्ट क्लास प्रोटीन, ये टाइप मत करना सोर्स ऑफ प्रोटीन, वरना वो आपको दिखा देगा पालक खा लीजिए, ये खा लीजिए, वो खा लीजिए, पालक वगैरह में प्रोटीन होता है। अब उसकी न्यूट्रिशन तो 100 ग्राम में 3 ग्राम होता है, तो आपको 30 ग्राम भी पूरा करने के लिए उसको 1 किलो खाना पड़ेगा,
एक किलो पालक खा के कहाँ जाओगे? और एक किलो पालक अगर आपने खा ली तो दिन में उसके अलावा कुछ और नहीं खा पाओगे. And I think you should be spending most of the time in a place which is very closed and is going to be very stinky. Like eggs है, eggs में protein होता है, per eggs में 6 gram protein होता है. तो आपने दो अंडे भी खा लिए, दो अंडे खाने का मतलब है, अब compare कर लीजिए, पालक में 3 gram और उसमें per अंडे में 6 gram, पालक में 100 gram में 3 gram. Okay. So, तो, again, kind of food that she should take. हाँ. तो आपको इन जो भी मैंने अभी सोर्स ऑफ फर्स्ट क्लास प्रोटीन बताए हैं इन फूड्स को अपनी डाइट में डालना होगा. और जो आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, मतलब जैसे कि रोटी हो गई, चावल हो गया, और किसी भी तरह की इडली, डोसा, वड़ा पाव, ब्रेड, ये सब हो गए, ये थोड़े कम करने पड़ेंगे. और जो चीजें मैंने बताई है इनको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, ग्रेजुअली आप बढ़ाइए. कोई एक डाइट में आप सिर्फ प्रोटीन रखिए, ठीक है, और शुगर आपके छोड़ते ही, मीठा आपके छोड़ते ही बॉडी में रिजल्ट आने वाला है, बॉडी रिजल्ट देने लग जाएगी. right. ठीक है, आप थोड़ा टाइम भी लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा इसके लिए, 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीने में कुछ नहीं दीजिए. जैसे बॉडी को वजन बढ़ाने में बहुत टाइम दिया है, वैसे घटाने में भी टाइम दीजिए. In the meantime, please tell us the types of whey protein. जिसे अभी आप isolated or hydrolyzed कर रहे थे. So I think these are also the type of whey protein. So can you explain it very clearly for people जिन लोगों को जो actually interested हैं कि कौन सा protein is necessary? Because अगर chemist पे जाएंगे या किसी भी nutrition seller पे जाएंगे, they will obviously sell जो उनके लिए margin जिसमें ज़्यादा होता है, but nobody will actually suggest कि किस type का protein is going to be beneficial for whom. So please tell us the types and किसके लिए क्या beneficial रहेगा? See, जो भी मैं protein बताऊंगा, brand आप खुद use कर सकते हैं, brand आप खुद use कर सकते हैं. तो whey protein जो कि best protein माना जाता है, उसमें types होते हैं. पहला होता है आप दूध को जब pasteurize करते हैं, उसमें पहली form जो निकलती है, वो होती है whey protein concentrate. तो कॉन्सेंट्रेट में क्या होता है, उसमें थोड़ा बहुत शुगर आ जाता है, थोड़ा बहुत कार्ब्स आ जाता है, थोड़ा सा एमिनो स्पाइकिंग हो जाता है, पर अच्छा प्रोटीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. So I think whey concentrate is the basic protein. Basic, entry level कहूंगा मैं उसको. Okay, do we have that with us? Prostar is खैर ब्रांड पे चले जाएगा वो, उसको छोड़ो. Okay. है मेरे पास प्रोटीन, तीनों ही रखे हैं, तो मैं दिखा सकता हूँ, वैसे नहीं दिखाता, एनीवे बता रहा हूँ. तो होता क्या है, वो कंसंट्रेट है, पहला प्रोसेस से जो निकला वो कंसंट्रेट होगा. अब मुझे चाहिए कि मैं इससे भी बेटर कोई प्रोटीन लेके आऊं अपने उसमें. पहले एक फर्स्ट फिल्टर होता है, yes. तो आया कंसंट्रेट, अब उसको सेकंड बार फिल्टर करा तो फिर आया आइसोलेट. ठीक है, तो आइसोलेट प्रोटीन कंसंट्रेट से थोड़ा सा बेटर होता है, प्राइस में भी थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा. ठीक है, तो सेम ही प्रोसेस अगर हम आइसोलेट के साथ करेंगे तो उसमें से निकलता है हाइड्रोलाइज प्रोटीन. ठीक है, जो कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन की होती है, उसमें कार्बोहाइड्रेट लेस बहुत बहुत लेस होता है, अमीनो स्पाइकिंग ना के बराबर होती है. अमीनो स्पाइकिंग से मतलब है अगर उस पे 20-25 ग्राम प्रोटीन लिखा है तो ऑलमोस्ट 24-25 ग्राम उसमें मिलेगा. ये नहीं है कि उसमें 25 लिखा है तो 16 मिलेगा, जो कि कॉन्सेंट्रेट में कुछ ब्रांड के प्रोटीन्स में हो सकता है. ठीक है, तो मैं एडवाइस करता हूं आपको आइसोलेट लीजिए. ठीक है, क्योंकि हाइड्रोलाइज प्राइस में भी काफी ऊपर चला जाता है. अनलेस यू कैन अफोर्ड इट यू कैन टेक हाइड्रोलाइज, बट इफ यू वांट इट टू बी इकोनॉमिकल फॉर यू एंड यू वांट टू यूज इट यू नो व्हेन देयर इज नो अदर सोर्स ऑफ प्रोटीन्स व्हिच इज बेस्ट टू बाय प्रोटीन व्हिच इज एन आइसोलेट व्हिच इज अ बेटर. आपका बजट अगर अलाउ करता है, नहीं कर पाता है, तो आप क्या बोलते हैं कॉन्सेंट्रेट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसा नहीं है कि उसको खाएंगे तो बॉडी ग्रो नहीं करेगी या उसको खाएंगे तो बॉडी खराब हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये सोचिए कि रसगुल्ला जो आप शादियों में जा जाके खा रहे हैं, चौमिन और मोमोज जो आप बाहर जाके खा रहे हैं, क्या वो आपको फायदा कर रहे हैं? तो वो आपको फायदा कर रहे हैं तो बिल्कुल भी फायदा नहीं कर रहे हैं वो चीजें. ठीक है, लेकिन जो चीज आपके लिए हेल्दी है, पाउडर फॉर्म में है, अच्छे फॉर्म में है, आप उसको खरीदने से पहले 100 बार सोच लोगे
करेक्ट, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि रेस्टोरेंट में बार में जाने से पहले नहीं सोचते हैं, इतनी बड़ी बोतल उठाने से पहले नहीं सोचते हैं, लेकिन एक चम्मच प्रोटीन का लेने से पहले 50 लोगों से डिस्कस करते हैं कि यार प्रोटीन लूं ही मैं, ये तो मेरी किडनी तो नहीं खराब कर देगा, ये मेरा लीवर तो खराब नहीं कर देगा, इससे मेरे को सांस की प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। तो ये बिल्कुल ऐसा ना कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन आपने ठीक किया है, लेकिन वो क्वेश्चन आप प्रोटीन की जगह उस दारू की बॉटल के साथ कीजिए, उस सिगरेट के स्मोक के साथ कीजिए जो कि एक्चुअल में आपको हार्म कर रहा है, right. ठीक है, और आपके साथ के लोग आपको चेयर्स कर रहे हैं, वाओ दो बोतल पी ली, ग्रेट यार, ग्रेट, व्हाट अ ग्रेट कैपेसिटी यू हैव। सो अगेन आई वुड एडवाइस पीपल इन दिस केस, रादर देन स्पेंडिंग थाउजेंड्स ऑफ रुपीस ऑन अ डॉक्टर एंड इन अ हॉस्पिटल ट्राइंग टू गेट योरसेल्फ ट्रीटेड, प्लीज इन्वेस्ट दिस मनी ऑल थ्रू आउट द ईयर, bit by bit, you know, spread out the same money in your own health choices, in your lifestyle. आप खर्चा उतना ही करोगे, लेकिन at least वो जाके आप hospital में उनके you know, you're not going to invest it anywhere. आपकी ना body अच्छी होने वाली है, आपको एक treatment मिलेगा, वो भी ऐसी condition का जो आपने खुद पैदा करी है. So it is better that this money should be invested in you. It should not be an expense for you. So अपने पैसों की value करिए and right जगह पे invest करिए, and please expenses जो आपके लिए अच्छे नहीं है, like hospital bills, obviously nobody wants that, so please do not invest in such things. And general queries जो हमारे पास regarding protein आई है, एक तो अलीना ने पूछी थी, एक सॉल ने पूछी है, right? एक तो मैंने पूछी है, and I would like to ask our viewers that if they have any other queries, please ask. And with that in mind, if you're going to leave a review and if you have participated well, we will also give you one nutrition counseling, which is going to be free of charge, which is for 1999 with Rahul, where you are going to discover about how to plan a healthy lifestyle and how to make the right lifestyle choices, how to make the right food choices for yourself, kis type ki cheezon mein aapko invest karna chahiye, and you can plan your budget accordingly, and that is going to be very beneficial for you. Rahul, do you have any last things to say? To main sabhi logon se ye kehna chahunga कि अपनी डाइट में थोड़ा बहुत प्रोटीन ऐड करें, ठीक है। अलीना लांबा, सोनी मैम, एंडॉल, सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी डाइट में थोड़ा सा प्रोटीन ऐड करें। प्रोटीन आपको कोई भी परेशानी नहीं कर सकता, 99% लोगों में कोई परेशानी नहीं कर सकता है। तो बेटर ये है आप अपने प्रोटीन को थोड़ा सा बढ़ाइए डाइट में, अपने मोमोज चाउमिन को थोड़ा सा घटाइए डाइट से, छोले भटूरे को हटाइए लाइफ से, ठीक है। और थोड़ा बहुत भी अगर आप हेल्दी रिजीम शुरू करेंगे, बॉडी में रिजल्ट आना शुरू होगा, तो आपको अच्छा लगेगा। मोटे से बॉडी पतली होती दिखेगी, आपको अच्छा लगेगा। लथार्जिक लेजी से आप एनर्जेटिक फील करोगे, आपको अच्छा लगेगा। तो बेटर ये है आप अपने लिए कुछ ऐसा कीजिए जो कि आपको लॉन्ग लास्टिंग तक फायदा देता है, कोई भी ऐसी सही चीज कीजिए। एंड हमारे पास और भी बहुत सारी सही चीजें हैं जो आप हमारे साथ इंगेज होकर कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल वी हैव आवर लाइव टैरो सेशंस व्हिच वी कम यू नो ऑनलाइन फ्रॉम टाइम टू टाइम। थर्सडे को, वेरी वेल सेड राहुल, थैंक यू सो मच मैम। थर्सडे को देर इज अनदर सेशन, अनदर वेबिनार, उससे पहले आई विल कम लाइव फॉर टैरो वन ऑफ दीज डेज, नॉट श्योर व्हेन। सो वी हैव अनदर वेबिनार ऑन टैरो एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेलनेस रिलेटेड वेबिनार। So, usme they are going to be a lot of motivational things that you're going to learn, and soon our page is going to turn into a little motivational wing also. There are certain videos that we are doing currently on our Instagram and Facebook page. We are also doing videos with Sony ma'am. Abhi aaj hi humne ek video dala hai, which is related to how to remove negativity from your house, and this is something which you can watch very recently. We are also doing the chakra balancing videos. So, abhi thode time pehle root chakra ka video dale, and jaldi we are going to put a video on the sacral chakra. And Rahul has also put up very nice videos on protein earlier, and today we have the webinar for the same thing. And he is also going to be talking about strength training and how the benefits are soon on the channel as well. So, there's another video which is coming up for that. And we have something from Saul here, which says, "Kitne din mein changes dikhayenge?" Yes, sir. Okay. हाँ. It's based on metabolism, but in general, आप आइए देखो. जी,
ये पहली चीज आपके मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी खुद कितना फैट बर्न करती है, ठीक है। आपकी बॉडी अगर सपोज 1300 कैलोरीज दिन की बर्न कर सकती है और आप 1500 कैलोरीज ले रहे हैं तो वेट बढ़ेगा, लेकिन 1300 पे आएंगे तो मेंटेन रहेगा। और 1300 में आप यहाँ तो एक्सरसाइज ऐड करेंगे, 1300 कैलोरीज के साथ जो आपकी बॉडी बर्न कर रही है तो एक्सरसाइज ऐड करेंगे, 100 200 300 कैलोरीज आपकी डाउन जाएंगी। यहाँ आप अपने न्यूट्रिशन में से कार्ब्स और फैट थोड़े से कम करें, 200 150 कैलोरीज हटाएं, और जैसे ही हटाना शुरू करोगे इन अ वीक और 10 डेज आपकी बॉडी में थोड़ा थोड़ा बहुत माइनर चेंज दिखना शुरू होगा। तो उसी माइनर चेंज से आप 3 महीने 6 महीने में देखोगे, अगर इनफैक्ट अगर आप बहुत अच्छा न्यूट्रिशन लेने लग जाते हैं कहीं कहीं से पढ़ के, इस तरह की कोई वीडियो देख के, मेरी नहीं किसी की भी, पर न्यूट्रिशनिस्ट हो डॉक्टर ना हो, तो कहीं से भी आप ऐसी इस तरह की ज्ञान लेके थोड़ा 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 करके जब आप में रिजल्ट आएगा तो 6 महीने बाद आप देखोगे कि बहुत बड़ा चेंज हुआ है आपकी बॉडी में, आपकी लाइफ में, आपकी ईटिंग हैबिट्स में, आपकी इनफैक्ट आपकी ब्लड रिपोर्ट में, ठीक है। ये सिर्फ बॉडी ही पे ही नहीं इफेक्ट करता, ठीक है, ये अफेक्टेड है आपकी जनरल हेल्थ से भी, क्लिनिकल हेल्थ से भी। मैं सॉल को एक एग्जांपल देना चाहूंगी अपना खुद का। मैंने एक्चुअली फर्स्ट टाइम जब डाइट चेंज किया था अंडर राहुल सुपरविजन, आई वेंट ऑन अ कीटोजेनिक लाइफस्टाइल व्हिच इज कीटो इज नथिंग बट हाई फैट हाई प्रोटीन एंड जीरो कार्ब्स, हाई फैट मॉडरेट प्रोटीन एंड जीरो ऑलमोस्ट लो कार्ब, ऑलमोस्ट वेरी लो कार्ब्स, एंड आई थिंक आई गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स। आई मीन आई स्टार्टेड सीइंग रिजल्ट्स विद इन अ मंथ, इनफैक्ट 3 वीक्स में मेरे को रिजल्ट दिखना शुरू हो गया था, वेट मेरा काफी ड्रॉप हो गया। And within 3 months, I think I achieved very good toning with my body. I dropped down 2 dress sizes. That was the first time which I experienced. And you can also see my transformation story on our page. In fact, you can see other transformation stories of Rahul on our page as well, where you can see logo ki jo journey rahi hai, pehle wo kaise the, the before and after thing, and what they have done and what they are doing, and wo kis field se hain aur ab kaise hain. There are certain people that उनके बारे में थोड़ा सा पढ़िए, कहीं से थोड़ा सा मोटिवेशन लीजिए और शुरू कीजिए, ठीक है। बाकी हमारे टच में रहें और सारी चीजें मैं गाइड करता भी रहूंगा, थोड़ी 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 करके बहुत चीजें मैं आपको बताऊंगा। मैं ऐसी भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो गूगल पे अवेलेबल भी नहीं है। @therovervibes जो है हमारा हैंडल है, व्हिच इज फॉर फेसबुक, व्हिच इज आल्सो फॉर इंस्टाग्राम। So please go on our Instagram page, which is a very, very lively page with a lot of nice graphics. Ye sari cheeze aapko bada easy hogi find out karna. Facebook mein it's all going to be a little clutter to find out, Saul. So why don't you, go to our Instagram page and look at these transformation stories. And you can also get in touch with us on the number which is provided on the page in the DM section, which will be handled by Ritu. So she will get you connected to us and you can get more information about these things, right? And Rahul, I want to also know, because see, hum log, we talked about celebrities. This is a random question which is coming from me. And it is actually related to the whole industry as a whole. Fitness and nutrition ki industry se laga lijiye. So like, for example, we have celebrities which are from a different industry and they spoke about nutrition. Theek hai? And again, a myth which is being told to people. Now, there are certain people which I am also aware of that in your life that, you have worked for, given your hard work as well. Lekin as you grow and aap jaise jaise achha karte ho, log aapko ya to bahut appreciate karte hain, jo appreciate karte hain, wo aage aake appreciate karte hain. But there are lots of people, who do not like and, they go behind your back. Okay. So because I want to know about your journey and your struggle, which you spoke about in the starting. So I want to end it with that only. So I want to ask you that is tarah ki jaise cheeze hui recently, you worked in a, I don't want to take the name, but you worked in a place for 3 years, and recently we have realized that our page is doing so well that aapke wahan se sare videos gayab ho gaye. Khair, jo video gayab ho usse koi matlab nahi hai, main wo diya hu jahan bhi jayega roshni dene wala hai, theek hai, mujhe kuch fark nahi padta ki koi मेरी रोशनी को बुझाने से पर के पीछे पड़ता है या बुझाना चाहता है। So, आप लोगों को, because I'm sure same चीजें लोगों की लाइफ में भी इस तरह से होती होगी जिनमें people do their best and people work their best, and यहाँ पर मैं tarot guidance नहीं देने वाली हूँ, okay?
So I want to ask, you know, how do you handle such things? Like, please try and motivate people for a healthy lifestyle, and you know how you handle your own life. See, बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, बहुत सारी रुकावटें आती हैं आपके वर्कआउट करने में भी. कई बार ऐसा होता है जिम के भी पैसे नहीं होते, किसी टाइम पे मेरे पास भी नहीं थे, जिम के पैसे भी नहीं होते, वर्कआउट के कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, न्यूट्रिशन और प्रोटीन के पैसे नहीं होते हैं. लेकिन बेस्ट पॉसिबिलिटीज क्या होती है कि ये जो चीज नहीं है उस पर कम से कम ध्यान दें, और जो चीज अवेलेबल है उस पर फोकस रखिए. जैसे कि आपके पास जिम नहीं है, मैटर नहीं करता है आपके पास जिम नहीं है, आपके पास आपका बॉडी वेट है, स्टार्ट करिए. ठीक है, स्क्वाट्स करिए, पुशअप्स करिए, पुलअप्स करिए, कुछ भी एक्सरसाइज ऐसी करिए. एब्डोमिनल की एक्सरसाइज में कोई मशीन नहीं लगती है, कुछ भी एक्सरसाइज ऐसी करिए जो भी आपको ग्रो की तरफ लेके जाए, आपके प्रोग्रेस की तरफ लेके जाए. In fact, you can search on Google as well, exercises without equipments that you can do at home. Or, so, or, if you cannot afford a fitness instructor or a gym, then... और दूसरी चीज, अगर आपके खाने के लिए प्रोटीन पाउडर नहीं है. एक टाइम ऐसा था, मैं बहुत ही वेल रेप्यूटेटेड जिम में काम करता था, वहां पे किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से मेरा जो सेविंग्स थी और बहुत सारा जो पैसा था वो कहीं मुझे देना पड़ गया था कुछ प्रॉब्लम की वजह से. तो मेरे पास ऑप्शन बहुत कम होते थे प्रोटीन के, क्योंकि 6,000-7,000 का प्रोटीन पाउडर पीना मेरे लिए थोड़ा काफी एक्सपेंसिव था उस टाइम. हालांकि आई अर्न वेरी वेल, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता था प्रोटीन पाउडर्स पे या चिकन पे या फिश पे इस तरह से. तो मेरे पास एक ऑप्शन था, वो था एग्स. तो मैं डेली ही 36 eggs a day खाता था. Right. ठीक है, तो वो जो मेरा मुश्किल टाइम था वो मैंने ये सोच के नहीं बिताया कि नहीं यार घर पे दालें खा लेता हूँ, चावल खा लेता हूँ, अरे भटूरे खा लेता हूँ, घर पे जो बन रहा है वो खा लेता हूँ. तो वो टाइम मैंने जो बिताया है वो भी हेल्दी ही बिताया है. वो 36 eggs को मल्टीप्लाई करो 6 से, इतना ग्राम प्रोटीन मैं अपनी बॉडी में डाल रहा था. ठीक है, मतलब उस टाइम भी मैं अच्छे न्यूट्रिशन पे था. तो बेटर ये है आप सभी के लिए कि आप जो चीज अवेलेबल है उस पे जाइए, जो अवेलेबल नहीं है उसके पीछे ये ना सोचिए कि यार ये अवेलेबल नहीं है मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ. आप जो कर सकते हो, चीज आपके पास अवेलेबल है प्लीज उसकी वैल्यू करिए, बिकॉज यू नो सम थिंग्स व्हिच आर चीप एंड इकोनॉमिकल हम लोग उस चीज की वैल्यू नहीं करते हैं. यू नो ये जनरली नॉट जस्ट विद न्यूट्रिशन, ये जनरल लोगों की थिंकिंग भी होती है, जो चीज आपको फ्री में मिली जाती है उन चीजों की वैल्यू नहीं होती है. सो प्लीज काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड सी द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू विद योर लाइफस्टाइल, व्हाट यू हैव, एंड बी ग्रेटफुल फॉर दोस थिंग्स. बिकॉज इन सच अ सर्कमस्टेंसेस, लाइक अगर मैं राहुल का एग्जांपल ले लूं, अगर राहुल चाहता सो ही कुड हैव इजीली यू नो शिफ्टेड टू अ होम डाइट व्हिच वाज नॉट अ वेरी गुड डाइट, बट राहुल के लिए एक डबल स्ट्रेन ये हो जाता है बिकॉज ही इज इन द फिटनेस इंडस्ट्री, सो ही हैज टू लुक फिट, सो प्रेशर ऑन हिम इज इवन मोर. For me, अगर मेरा थोड़ा सा वेट बढ़ जाए, I will still be a tarot reader. It doesn't matter how I look, right? But for him, he has to walk the talk. So for him, he had to, you know, go through, you know, a hard time. But at the same time, it requires dedication, it requires hard work, and it requires your mindset. अगर जब तक आप कुछ ठानोगे नहीं, कुछ पक्का नहीं करोगे, तब तक आप कुछ अचीव नहीं कर सकते हो. बाकी सारे सिर्फ बातें रह जाती हैं. So, ये बातें जो है हम लोग यहाँ पर आते हैं यू नो वेबिनार में बातें करने के लिए आते हैं, बट इसके पीछे जो हमारा हार्डवर्क चलता है और जिसके पीछे जो हमारे एफर्ट्स जाते हैं वो यहाँ नहीं दिखते हैं. और यही अगर आप एक क्वेश्चन पूछते हो कि हम अपने चेंजेस कैसे लाएंगे, ये चेंजेस आपको हम सजेस्ट कर सकते हैं, हम आपको काउंसिल कर सकते हैं, हम आपको डाइट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, आप ये हमसे खरीद भी सकते हैं चीजें, बट द मोस्ट प्राइजलेस थिंग दैट यू हैव इज योर ओन डेडिकेशन and your own mindset. वो आप कहीं से नहीं खरीद सकते, वो आपको अपने आप ही लाना है. So again, I would like to mention here that अगर आप कोई भी diet follow करते हो, कोई भी workout follow करते हो, तो आपको वहाँ पे dedicated रहना पड़ेगा. And that is the reason, you know, Rahul's example is very much true. If he would have not been so dedicated, again, that would not have been very good for him. And here he is in front of you, giving you this advice. So again, whoever is watching us, please you know, like our page, share this feed so that it goes to a lot of other people and it opens their eyes, and also put a review as to for the feedback that, you know, honest feedback that how did you like
you know, this this whole feed, this whole discussion. If you have any questions, you can put it in the comment section. You can also send it on our DM. And aapke paas ek opportunity bhi aa sakti hai, free nutrition counseling ki, which is, again, it's going to be a very eye-opening thing for you. So, Rahul, with that in mind, I think we can close the session today, and we'll see them on Thursday. And before that, we come live on Tarot for some other time, which is going to be a surprise. So, thank you so much from my side. I am your host and coach, Samara, today. And I am your fitness coach, Rahul. और बहुत-बहुत थैंक यू आप सभी के लिए जो आप इस फीड पे आए, आपने क्वेश्चन किया. And thank you all for participating, Saul, Alina, and Laganjeet. I am sure he was also there. Sony, ma'am. Thank you so much, all these people who have come here, and thank you for sharing this feed. I've got notifications from people as well, and it was lovely hosting you, lovely speaking with you, and lovely guiding you today. We'll see you soon. Stay strong. Bye.